नमस्कार, एनजीएनएन में आपका स्वागत है और आप देखिए खास खबर। सरकारी अस्पताल में लग रही मरीजों की भीड़ को देखते हुए वैक्सीनेशन सेंटर अस्पताल से अलग बनाने की तैयारी कर ली गई है। अब शहर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय सूरजगंज में वैक्सीनेशन होगा। आने वाले 2-3 दिनों में इसे शुरू किया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए यहां 2 हॉल रहेंगे और आवाजाही के लिए पीछे का गेट खुला रहेगा। इधर अस्पतालों में कम पड़ रहे बेड को देखते हुए विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा और उनके भाइयों ने मिलकर निर्णय लिया है कि बेडों की संख्या बढ़ाएंगे। यहाँ इटारसी के सरकारी अस्पताल में 2 हॉल खाली पड़े हुए हैं, इसमें यह इंतजाम किया जाएगा। इसके लिए पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा और भवानी शंकर शर्मा द्वारा सहयोग दिया जाएगा। इसमें एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी और अन्य लोग भी सहयोग कर रहे हैं। इन दोनों व्यवस्थाओं को अंजाम देने के लिए आज एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, अस्पताल अधीक्षक आर के चौधरी, तहसीलदार पूनम साहू, सीएमओ हेमेश्वरी पटले, भाजपा नेता जगदीश मालवी, पूर्व पार्षद राकेश यादव, भाजपा नेता दीपक अठोत्रा ने यहां व्यवस्थाएं देखी और इस संबंध में निर्णय लिया गया। आइए अब हम कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे के बारे में जानें। कोरोना वायरस और ज़्यादा खतरनाक हो गया है। अब 2 गज की दूरी और 1 मास्क पर्याप्त नहीं है, बल्कि अब आपको ज़्यादा संभलना होगा। मशहूर मेडिकल जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस हवा में भी फैल सकता है। इस बात को भारत के नीति आयोग ने भी मान लिया है। नीति आयोग के सदस्य बीके पॉल ने बताया कि वायरस हवा में फैल रहा है, इसलिए कोरोना के मरीज तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कैसे फैलता है ये वायरस? जब कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है या तेज़ हवा में बात करता है तो उसके मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स हवा में मिल जाते हैं, और यदि कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति इस हवा में सांस लेता है तो वह संक्रमित हो सकता है। इसका खतरा बंद कमरों में ज़्यादा है। इससे कैसे बचें? इससे बचने के लिए आपको N95 मास्क पहनना होगा। यदि आप N95 मास्क नहीं पहनते हैं तो एक सर्जिकल मास्क पहने, उसके ऊपर एक कपड़े का मास्क पहने। मास्क पूरी तरह से कसा होना चाहिए जिससे हवा की आवाजाही ना हो, और यदि आप जिस कमरे में, बंद कमरे में ऑफिस है या आप बंद घर में रह रहे हैं, तो क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था करें, खिड़कियां खुली रखें जिससे वायरस बाहर चला जाए और समाप्त हो। हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जो लाइव लिया गया है। यह पथोड़ी गांव का है जो इटारसी होशंगाबाद के बीच में पड़ता है। यहां 2 काले हिरण एक खेत में करीब 20 मिनट तक लड़ते रहे, जिसका वीडियो हमारे द्वारा लिया गया है। देखिए पूरा वीडियो।